गलाघोटू में लाते कस्बा बिलगांव है, जिला बांदा है, थाना बिसंडा। गले की बीमारी है, गला पकड़ती है, उसके बाद जो है बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। गांव में इस तरह कितने लोग बीमार पड़े? कम से कम 20 लोग। स्वास्थ्य विभाग अब तक गांव गया कि नहीं? कोई गांव नहीं गया। कितने लोग खत्म हुए? दो बच्चे मेरे ही घर के खत्म हो गए। कब खत्म हुए? एक बच्चा कल खत्म हुआ, एक बच्चा आज सुबह एक्सपायर हुआ यही अस्पताल में। ये डिप्थीरिया एक बीमारी होती है जो बच्चों में, छोटे बच्चों में होती है। इससे अंदर क्या होता है कि बच्चे को सांस लेने में, गले में स्वेलिंग आ जाती है और बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है, और साथ ही गले के अंदर एक झिल्ली बन जाती है जिससे बच्चा जो खाना पीना खाता है या दूध पीता है वो गुटक नहीं पाता है और वो नाक से मुंह से बाहर आ जाता है। और इसके साथ ही क्या होता है कि अंदर की जो नर्व्स होती हैं, पैलेट की नर्व्स होती हैं और फेरिंग्स है, पैलेट है, तो इनकी नर्व्स की भी पैरालिसिस कई बार हो जाती है और इसकी वजह से बच्चे को खाने पीने में परेशानी होती है और सांस लेने में परेशानी। अगर जो है पैलेट की या उसकी पैलसी हो जाती है और या फिर जो है स्वेलिंग ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है ना, या फिर कई बार जो है ये हार्ट को भी इन्वॉल्व कर देता है, ये जिसे हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं। तो अगर ये बीमारी अगर ज़्यादा बढ़ जाती है शुरुआत में, अगर इसका उपचार नहीं करा जाए तो ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है।